नमो अर्हंताणं, नमो आयरियाणं। आज हम एक विचार श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जो जैन धर्म के आगमों की शिक्षाओं पर आधारित है। जैन धर्म के शास्त्रों में अनेक ऐसे सुभाषित, अनेक ऐसे नीति वाक्यों का उल्लेख मिलता है जो हर इंसान को जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण देती हैं और जीने के तरीकों को नई शैली प्रदान करती हैं। वे शिक्षाएं आत्महितकारी भी हैं और लोकहितकारी भी हैं। वे सुभाषित और नीति वाक्य सबके लिए दर्पण और मशाल का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज हम आध्यात्मिक अनुचिंतन के प्रसंग में आत्मचिंतन की उपयोगिता के विषय में बात करेंगे। ये आध्यात्मिक अनुचिंतन है क्या? ये सेल्फ एनालिसिस की प्रक्रिया है, ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया है जिसमें हम अपने विषय में अपना चिंतन अपने लिए करते हैं। दसवें कालिक सूत्र की एक गाथा है जिसमें आत्मचिंतन की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। जो पुब्बरत्ता वररत काले संपिक्खै अपगमप्पैणम् किं मे कणं किं च मे किच्च शेषं किं सक्कणिच्चं न समायरामि। जो साधु, जो साधक, जो व्यक्ति रात्रि के पहले और पिछले प्रहर में अपने आप अपना आलोचन करता है, अपना चिंतन करता है, मैंने क्या किया, मेरे लिए क्या कार्य करना शेष है, वह कौन सा कार्य है जिसे मैं कर सकता हूं पर प्रमादवश नहीं कर रहा हूं। आत्मचिंतन अपने आप किया जाता है। खुद इंसान अपने आप को देखता है, अपने कार्यों को देखता है, अपने मन को देखता है, अपनी वाणी को देखता है, अपने व्यवहार को देखता है और अपने आप से तीन प्रश्न करता है। मैंने क्या किया, मेरे लिए क्या करणीय शेष रह गया और जो मैं कर रहा हूं क्या मैं उतना ही कर सकता हूं या मैं कुछ और अधिक भी कर सकता हूं। पहला प्रश्न, मैंने क्या किया, सुबह उठे उसके बाद से लेकर के अब जब हम विश्राम की तैयारी में हैं, रात्रिकालीन विश्राम की तैयारी में हैं, उसके बीच के समय में जो 10, 12, 15 घंटे हमको मिलते हैं उसमें मैंने क्या किया, ये विचार करना है। आप सामान्यतया रोजमर्रा जिंदगी में क्या काम करते हैं? घर की सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना परोसते हैं, खाना खाते हैं, कपड़ों की धुलाई करते हैं, बाजार से कुछ खरीदारी करते होंगे, दुकान जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कोई जॉब करते हैं, फोन पे बातें करते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं। ये पूरे दिन की एक चर्या, साधारण चर्या, सामान्यतया ये चर्या बन जाती है। इस चर्या में देखना है कि मैंने किया क्या, जो किया वो कैसे किया। घर का काम जितना किया, कुकिंग किया, उसमें मैंने अहिंसा का चिंतन रखा, मैं जागरूक रही क्या। देखिए, जागरूक रहेंगे तो आप बहुत सारी अनावश्यक हिंसा से बच जाएंगे। घर में साफ सफाई करते समय छोटे छोटे जीवाणुओं का ध्यान रख पाएंगे कि मेरे हाथ से वो हिंसा ना हो जाए, सफाई रखेंगे ताकि घर में जीवों की उत्पत्ति ना हो। और जब आप किचन में काम करते हैं, कई बार हम देखते हैं कि जब हरी सब्जियों को आप सुधारते हैं उस समय लोग जैसे सैलेड बनाते हैं, खीरा कुकुम्बर जो भी काम में लेते हैं उनको एक शेप देते हैं, कोई पशु की शेप देते हैं, कोई पक्षी की शेप दे लेते हैं। ऐसा करने से कितने भारी कर्मों का बंधन होता है। हमारे चिंतन में कभी आना चाहिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं। घर में बिस्किट लाते हैं, उनके पशुओं के आकार, पक्षियों के आकार, उन्हीं आकारों को हम खाते हैं। आप सोच सकते हैं कि आकारों से क्या होता है। इसका हमारे साइकोलॉजिकल माइंड पे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए हम इन चीजों से जागरूक रहें कि हमें खाना ही तो है,
क्यों अनावश्यक हम इन चीजों में उलझे। आपको घटना याद होगी इतिहास की, मुनि खंदक, क्या किया था उन्होंने? अपने किसी भाव में उन्होंने एक काचर को छीला और काचर को ऐसा छीला खुश हुए कि मैंने एक ही छिलके को, एक ही बार में पूरे काचर को कितना सुंदर तरीके से छील दिया, उसको देख देख के खुश हुए। रिजल्ट क्या मिला? कर्मों का उदय आया और उनके पूरे शरीर की चमड़ी को छीला गया। हम यदि जागरूक रहेंगे तो ऐसे कर्मों से हम दूर रह सकते हैं। दूसरी बात कि मैंने जो जितना किया, क्या मैं उतना ही कर सकता था या मैं और भी कुछ कर सकता था? मेरे लिए बाकी क्या रह गया? तो अब आप देखेंगे कि पूरे दिन पर मैंने माला की या नहीं की, मैंने सामायिक का टाइम निकाला या नहीं निकाला, मैंने कुछ स्वाध्याय किया या नहीं किया, निर्जरा का कोई छोटा मोटा उपाय पूरे दिन में मैंने किया या नहीं किया। ये बात हमें ध्यान देनी चाहिए। तीसरी बात कि मैंने जितना किया, क्या मैं उतना ही कर सकता था या मैं कुछ और भी कर सकता था? अब आप देखिए, आपका पूरा दिन लगभग 12, 14, 15 घंटे का होता है। उस दौरान आपने जितने काम किए, क्या उतने कामों के लिए 10, 12, 14, 15 घंटे चाहिए? यदि आप अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, अपने कामों को और अपने टाइम को दोनों को साथ में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि अरे कितना टाइम तो ऐसा चला गया जिसमें कुछ किया ही नहीं, अस्त व्यस्तता में ही चला गया। जैसे जैसे आप अपने लिए जागरूक बनेंगे, वैसे वैसे आप अपने समय को और सुंदर तरीके से यूज करना शुरू कर देंगे। तो ये आत्मचिंतन की बात है। जैसे जैसे आप आत्मचिंतन में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप अपने समय का सदुपयोग करना शुरू कर देंगे। आप अपनी भाषा, व्यवहार और विचारों को और सुंदर और प्रशंसा के योग्य बना लेंगे। आज इतना ही। ओम अरहम।